एक बार एक व्यक्ति बिना बताए अपने काम पर नहीं गया, तो उसके मालिक ने सोचा इसकी सैलरी बढ़ा दी जाए तो ये बिना बताए छुट्टी नहीं करेगा और लगन से काम करेगा। और फिर उसे बिना बताए ही उसकी सैलरी बढ़ा दी गई। अगली बार जब उसे सैलरी ज्यादा मिली तो वह कुछ नहीं बोला और उसने चुपचाप वो पैसे रख लिए। कुछ महीनों बाद उसने फिर बिना बताए छुट्टी मार ली। मालिक को बहुत गुस्सा आया। वो सोचने लगा इसकी सैलरी बढ़ाने का क्या फायदा हुआ, ये सुधरने वालों में से नहीं है, और फिर से उसकी सैलरी कम कर दी। और फिर जब वो काम पर वापस आया तो उसे वही सैलरी दी जो उसे पहले मिलती थी। वो व्यक्ति इस बार भी चुपचाप ही रहा और कुछ ना बोला। मालिक को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा कि जब मैंने तुम्हारे एब्सेंट के बाद तुम्हारी सैलरी बढ़ा कर दी, तुम कुछ नहीं बोले, और आज मैंने तुम्हारे फिर से छुट्टी लेने पर सैलरी कम करके दी, फिर भी तुम शांत ही हो, इसकी क्या वजह है? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया, जब मैंने पहले छुट्टी करी थी तो मेरे घर एक बच्चा पैदा हुआ था। आपने मेरी सैलरी बढ़ा कर दी तो मैं समझ गया कि ऊपर वाले ने उस बच्चे की बेहतर परवरिश का हिस्सा भेज दिया है। और जब मैंने दूसरी बार छुट्टी ली तो मेरी माता का निधन हो गया था। उसके बाद आपने मेरी सैलरी कम कर दी तो मैंने ये मान लिया कि मेरी माँ अपने हिस्से का अपने साथ लेकर चली गई। अब मैं उस पैसे के लिए क्यों चिंता करूं जिसका हिसाब खुद भगवान ने कर रखा है।